हिंदुस्तानी है, जान से प्यारा देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी है, वो संकल्प हमारा अब ये नई नई अलग जगाने। ये गाना कल रात से चल रहा है, देशभक्ति जैसे एकदम से बाहर आ गया है सबका। सुबह सुबह सौरभ चाय के दुकान पे हाजिर। आज बहुत जल्दी आ गए साहब। पूछो मत शाम, सुबह के 6 बजे उठना पड़ा, बच्चे को स्कूल छोड़ के आया हूँ, फिर लेने जाना है 8 बजे। छुट्टी के दिन में भी ये सब करना पड़ रहा है। अरे सौरभ, छुट्टी के दिन इतने सुबह सुबह, मनीष ने कहा। अब क्या ही बोले यार, बेटे का स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम चल रहा है, उसे छोड़ने गया था, सुबह की नींद चौपट हो गया। जो बात बोले हो भैया, एक तो इतना पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रहा और ये लोग यहाँ इंडिपेंडेंस डे को लेके इतना तामझाम कर रहा है। हाँ भैया, कल रात तक सोने नहीं दिया और फिर आज सुबह सुबह चालू कर दिया है। वो सब बात ही कर रहे थे तभी एक दादाजी की उम्र के आदमी ने अचानक बोल पड़ा, सबके सब नालायक हो तुम लोग, तुम लोग इसे एक छुट्टी के दिन बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। दादाजी आपको पहले कभी देखा नहीं, नए हैं क्या? हाँ, मैंने वो निशान चैटर्जी का जो घर है वो खरीद लिया है, अब जिंदगी के आखिरी दिन वही बिताना है। निशान चैटर्जी एक आर्मी ऑफिसर थे, कुछ साल पहले ही जंग में मारे गए थे, उनके पत्नी भी कुछ दिन पहले गुजर गए। दिल्ली से उनका बेटा आया था अंतिम संस्कार करने के लिए, अभी तो वो घर एक भूत बंगला बन चुका है। तो दादाजी, शहर में इतना घर होते हुए आपने ये भूत बंगला क्यों खरीदा? लंबी कहानी है, मैं और निशान बचपन के दोस्त थे, हम लोग एक ही साथ आर्मी ज्वाइन किए थे। 1999 के कारगिल के वार में मैं लगभग मर ही चुका था, निशान ने अपनी जान के ऊपर खेल के मेरा जान बचाया, फिर हम दोनों का प्रमोशन भी हो गया। इतने साल तक हम एक साथ बॉर्डर पे ड्यूटी किए, बहुत से यादें जुड़े हैं उसके साथ मेरा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, फ़ोन पर बातें होते रहते थे हमारे। कुछ दिन बाद खबर आया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में निशांत शहीद हो गया, उस दिन मैं बहुत रोया था। उसके कुछ दिन बाद मैंने भी PRS लेके अपने गांव चला गया। अभी कुछ दिन पहले मुझे खबर मिला कि भाभी जी का भी देहांत हो गया है और उनके बेटे ये घर बेच रहे हैं। मेरा बेटा भी मुंबई ब्लास्ट में गुजर गया था और उसके कुछ दिन बाद मेरे पत्नी भी बेटे के गम में मुझे छोड़ के चले गए। तभी मैंने ठीक कर लिया था कि अब जिंदगी के आखिरी दिन दोस्त के आखिरी निशानी को लेकर ही गुजार देंगे। बहुत से यादें जुड़े हैं निशान के साथ मेरा। ये कहते कहते वो लगभग रो दिए। कुछ देर बाद वो फिर से बोलने लगे, ये दिन कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है जिस दिन को तुम लोग सिर्फ एक छुट्टी के दिन कह रहे हो, जिस आज़ादी का तुम्हें कोई भी परवाह नहीं है। ऐसे ही नहीं मिला था ये आज़ादी, बहुत खून बहाना पड़ा था इस आज़ादी के लिए, बहुत जाने गए थे इस दिन को, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। और तुम लोग इस दिन को बस एक छुट्टी के दिन की तरह ट्रीट कर रहे हो, शेम ऑन यू। और फिर वो वहां से चले गए। उस वक्त वो आदमी सौरभ को नेताजी या भगत सिंह से कुछ कम नहीं लग रहा था।
शाम के दुकान के सामने वाला वो ट्रम्पेट अभी भी बजा है। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.